हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बनाएंगे मशरूम की सब्ज़ी। तो इसके लिए हमने 2 पैकेट मशरूम ले लिया है। तब इसको हम पहले पन्नी से निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो देखिए हमने पन्नी से निकाल लिया है। अब इसको हम, ये जो काला काला है ना, इसको हम छिलका इसमें का निकाल लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से सारे मशरूम का छिलका निकाल लेंगे तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो देखिए हमने सारा छिलका निकाल लिया है सारे मशरूम का। तो इसको हम चाकू से, ये देखिए ये जो काला काला है इसको भी हम हटा देंगे। तो ये देखिए, तो इसी तरह से सारे मशरूम का अच्छे से हम, जो काला काला है इसको हम सारा निकाल देंगे। इसको हम 2 भागों में काट देंगे। ये देखिए, जो बड़ा साइज है उसमें 4 साइज कर सकते हैं, और जो तो जो थोड़ा छोटा है उसको हम 2 पीसेस में करेंगे। तो देखिए इसी तरह से सारे मशरूम को काट लेंगे। ये देखिए, तब इसको हम अच्छे से अभी धोएंगे। इधर हमने, ये देखिए, 8 से 10 प्याज ले लिया है ग्रेवी बनाने के लिए, और 3 टमाटर ले लिए हैं। तो ये देखिए, इधर हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। अब मशरूम को अच्छे से हमने धो लिया है और इसका पानी अच्छे से सुखा दिया है। तब इसको हम इसी तेल में तलेंगे, और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो सर, जितने मशरूम हैं इसको हम इसी तेल में फ्राई करेंगे। ज़्यादा इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस हल्का फुल्का कलर चेंज करना है। तो देखिए इसी तरह से सारे मशरूम को फ्राई करेंगे। तो ये देखिए मशरूम का कलर चेंज हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे और कलछी को थोड़ा सा तिरछा कर दें ताकि ये एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में ही रहे, मशरूम में ना जाए। इस तरह से क्या है कि बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए इसी तरह से सारे मशरूम को हम फ्राई कर लेंगे, बाकी जो बचे हैं। ये देखिए, तब इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे मशरूम को निकाल लिया है। इधर हमने उसी कढ़ाई में अब सब्ज़ी को हम तड़का लगाएंगे। ये देखिए हमने जीरा डाल दिया है, और 2 तेज़पत्ता ले लिया है। अब इसमें हम कटा हुआ प्याज डाल देंगे। फ्रेंड्स, इस प्याज को हमने ग्रेवी, मतलब इसको मिक्सी में नहीं पीसा है, इसको हमने पतली साइज में काटा है। इस तरह से क्या है कि बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। इसको हम इसी तरह चलाते हुए इसको अच्छे से हम ब्राउन कर लेंगे, और अच्छे से प्याज गल जाएगी। इस तरह इसी तरह से भूनते जाएंगे। तब इसमें हम टमाटर डाल देंगे, और इसको भी हमने पतली साइज़ में काटा है। ये देखिए, हमने ना तो टमाटर ना तो प्याज, किसी को भी हमने मिक्सी में नहीं डालकर पीसा है। इस तरह से क्या है कि और टेस्टी सब्ज़ी बनती है। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक से क्या है कि जो टमाटर और प्याज है ये अच्छे से गल जाता है। तब इसको हम नमक डालकर इसको मिलाते हुए इसको हम अच्छे से गला लेंगे। अभी अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो रहा है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें कटा हुआ मिर्ची डाल देंगे। और फ्रेंड्स, मिर्ची अपने हिसाब से डालिएगा, जैसे आपको तीखा पसंद हो उस हिसाब से डालिएगा। तो ये देखिए इसी तरह से हम भूनते जाएंगे। अब इसमें हम मिलाएंगे मसाले। तो इसमें हमने मिर्ची पाउडर डाल दिया है, और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। अब इस मसालों को अच्छे से भून लेते हैं।
ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन रहा है। अब इसमें हम एक चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। इसको अच्छे से भुनेंगे। तो देखिए हमारा मसाला अच्छे से गल रहा है। अब इसमें हल्का सा पानी डालेंगे ताकि ये जो मसाला हमारा है नीचे से जले ना। तो देखिए लगभग हमारा मसाला जो अच्छे से है बिल्कुल गल चुका है। इसको इसी तरह से कलछी की मदद से मैश करते जाएंगे ताकि ये जो थोड़ा बहुत बचा है मसाला ये भी अच्छे से गल जाएगा। तेल ऊपर आने लग गया है, ये देखिए कितने अच्छे से मसाला हमारा गल चुका है। इसको इसी तरह से घुमाते हुए मसाले को अच्छे से बिल्कुल फाइन बना लेंगे। हमारा मसाला गल गया है ये देखिए। अब इसमें हम डालेंगे मशरूम को जो हमने फ्राई किया है। अब इसको भी अच्छे से मिला देते हैं इसी मसाले में। फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो ये देखिए जैसे हमने बनाया है वैसे फॉलो करिएगा तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। तो फ्रेंड्स हमने इसको ढक दिया है तो चलिए अब इसको हम देख लेते हैं। इसको हमने स्लो आंच पे रखा था, देखिए देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारी सब्ज़ी पक रही है। अब इसमें हम डालेंगे पानी एक गिलास। तरी आपको जैसे पसंद हो पतली या गाढ़ी तो उस हिसाब से डालिएगा। तो अभी हमारी सब्ज़ी थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो इसमें हम पानी अभी थोड़ा और डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे बस थोड़ा ही डालेंगे। तो ये देखिए अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको हम सब्जी को ढक देंगे करीब 5 मिनट के लिए। तो चलिए 5 मिनट हो गया है अब इसको हम देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक गई है। अब इसको हम चला लेते हैं थोड़ा, ये देखिए। ये देखिए हमारी तरी भी अच्छे से गाढ़ी हो गई है, बहुत टेस्टी सब्जी बनी हुई है। अब इसको हम गैस को बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसको ढक के इसी तरह से छोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी थोड़ी बहुत ठंडी हो गई है। तो इसमें अब धनिया हम डालेंगे, ये देखिए धनिया पत्ती को डाल देंगे। तो मेरी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है, ये देखिए देखने में कितनी टेस्टी लग रही है तो खाने में कितनी टेस्टी होगी। तो फ्रेंड्स इसको फॉलो ज़रूर करिएगा, जैसे हमने बनाया है उसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। थोड़े धनिया पत्ती और ऊपर से डाल देंगे। तो ये देखिए अब तेज पत्ता का काम हो चुका है तो इसको हम निकाल देंगे। अब इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने थाली में
मशरूम, और हमने ये देखिए गाजर का खीर बनाया है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ।